पहुंचा रहे हैं आप तक दिल्ली बीजेपी। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीजेपी पहली लिस्ट में 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और इस लिस्ट ने साफ कर दिया कि ना तो राम नरबीर को टिकट मिली है कहीं से और ना ही विपुल गोयल को। आपको इन 12 नामों को भी हम पढ़कर बता देते हैं। नारायणगढ़ से सुरेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। पानीपत सिटी से प्रमोद विज को टिकट मिली है। गन्नौर से निर्मल चौधरी को टिकट मिली है। खरखौदा सुरक्षित सीट है ये, यहाँ से मीना नरवाल को टिकट मिली है। फतेहाबाद से दूड़ाराम बिश्नोई को टिकट मिली है। आदमपुर से सोनाली फोगाट को टिकट मिली है। तोशाम से पार्टी ने टिकट दिया है शशि रंजन परमार को। मैम से पार्टी ने टिकट दिया है शमशेर खरकड़ा को। लगातार नाम पहुंचा रहे हैं आप तक। कोसली से लक्ष्मण यादव को, रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर को, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला को टिकट मिली और पलवल से दीपक मंगला को पार्टी ने टिकट दिया। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टिकट वितरण को लेकर 12 नामों पर सबकी निगाहें टिकी थी जितेंद्र, इसमें भी ना तो विपुल गोयल का नाम है ना राव नरबीर का नाम है, क्या कहेंगे आप इस वितरण को लेकर? बहुत ही बैलेंसिंग चल रही है क्या बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले सभी 90 नामों को लेकर के घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीटों पर अब उम्मीदवार प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। दो दिन नामांकन को लेकर के बचे हैं और खासतौर से अगर हम बात करें जिस प्रकार से रेवाड़ी, गुरुग्राम और कोसली को लेकर के उम्मीद की जा रही थी, उसमें अगर हम बात करें तो लक्ष्मण यादव राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, कोसली से उन्हें मौका दिया गया है। सुनील मुसेपुर और गुरुग्राम से सुधीर सिंगला को मौका दिया गया है। वहीं पलवल से दीपक मंगला को मौका दिया गया है। दक्षिण हरियाणा की ये सीटें सबसे पहले बताने का कारण यह है कि जो दो मंत्रियों की टिकट कटी थी वो दक्षिण हरियाणा से ही थे, चाहे राव नरवीर की बात करें या विपुल गोयल की। उम्मीद की जा रही थी कि किसी प्रकार से उनके जो प्रयास है, जो बची हुई दक्षिण हरियाणा की सीटें हैं वहां पर किसी प्रकार से एडजस्ट करते हुए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दोपहर को राव नरवीर की भी जो बैठक हुई थी उसके बाद अमित शाह के साथ जिस तरीके से तमाम नेताओं की एक बैठक हुई, उस बैठक में स्पष्ट तौर से ये कह दिया गया कि जो निर्णय ले लिया गया है उसमें किसी तरीके की कोई एडिटिंग या बदलाव नहीं किया जाएगा सीट का, और जो फैसला टिकट काटने को लेकर के लिया है पार्टी उस पर अड़िग रहेगी। यानी विपुल गोयल और राव नरवीर को कोई एक तरफ जहां रिलीफ नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ दीपक मंगला को एक बार फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले चुनाव में भी दीपक मंगला पलवल से ही उतरे थे। सुधीर सिंगला को गुरुग्राम से मौका दिया है, रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर, कोसली से लक्ष्मण यादव, महम से बलराज कुंडू जो कि चेयरमैन थे, अपनी चेयरमैन से इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया था लेकिन उनको टिकट न देकर शमशेर खरकड़ा को टिकट यहां से दिया गया है। महम से यहां भी काफी टक्कर मानी जा रही थी और ये बात भी एडवांस में ही है कि वहां जो इस बात को लेकर के विरोध लाजमी है देखना, क्योंकि लगातार बलराज कुंडू काम कर रहे थे और निर्दलीय पर्चा भी भर सकते हैं जिस प्रकार की जानकारी सूत्रों से है, क्योंकि इससे पहले जब भी हमारी बात उनसे हुई टिकट को लेकर के हरियाणा भवन में जब वो पहुंचते थे उस वक्त इस बात को लेकर के वो लगातार दम भरते नजर आते थे। तो शाम से अगर हम बात करें तो शशि रंजन परमार को मौका दिया गया है, वहीं सोनाली फोगाट आदमपुर से मौका दिया है। कुलदीप बिश्नोई की ये सीट मानी जाती है। अब देखना है कि कांग्रेस की जो सूची है, माना जा रहा है कि इस टिकट वितरण के बाद करीब एक घंटे बाद कांग्रेस की सूची देखने के लिए मिलेगी। आदमपुर से सोनाली फोगाट को उतारा गया है, युवा नेत्री के तौर पर थी, और फतेहाबाद से दूड़ाराम बिश्नोई। उम्मीद की जा रही थी कि बिश्नोई समाज को साधने को लेकर के एक टिकट जो है वो दी जाएगी और दूड़ाराम बिश्नोई का नाम इसमें चल रहा था, उन्हें फतेहाबाद से मौका दिया गया है। महिला कोटे में अगर हम इन 12 सीटों में बात करें तो 3 सीटें महिला कोटों में दी गई हैं, जिसमें आदमपुर से सोनाली फोगाट, करकोदा से मीना नरवाल और गन्नौर से निर्मल चौधरी को मौका दिया गया है। पानीपत सिटी से प्रमोद विज को उतारा गया है, तो वहीं नारायणगढ़ से सुरेंद्र राणा को उतारा गया है। इन सीटों पे भी अगर हम बात करें तो अब देखना है कि मुकाबला किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम पार्टी की तरफ से किया गया फैसला है। एक जो इस पूरे टिकट वितरण की अगर हम बात करें इन 12 सीटों को मिलाकर के, खासतौर से संगठन के लोगों को तवज्जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है, और जो भी लोग थे, जिस प्रकार से रेवाड़ी से अगर हम बात करें, इससे पहले रणधीर कापड़ीवास विधायक थे उनका टिकट यहां पर काट दिया गया है और सुनील मुसेपुर को उनकी जगह पर उतारा गया है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि
किसी भी प्रकार से जो पार्टी के अंदर नुकसान करने वाले सरकार और संगठन के स्तर पर जो लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया गया है इस टिकट वितरण से, यह स्पष्ट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और एक प्रयास यहाँ पर किए गए थे, पानीपत सिटी की भी बात करें तो प्रमोद विज को वहां से मौका दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो दूसरे जो नेता है वहां पर प्रयास किए जा रहे थे कि उनको किसी प्रकार से वहां मौका दिया जाएगा। लतिका की बात करें या फिर और जो दूसरे जो विधायक दूसरे जो नेता थे वो लगातार इस सीट पर भी रेस में थे। गन्नौर को लेकर के खासतौर से सवाल थे जहां निर्मल चौधरी को मौका दिया गया है, और भी कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर के पूरी दावेदारी मजबूत स्तर पर बताई जा रही थी। अब देखना है कि इस टिकट वितरण के बाद किस तरीके बताए, क्योंकि सभी 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और अब चुनावी मैदान में कल से नामांकन प्रक्रिया को लेकर के दम भरना शुरू कर देंगे सभी प्रत्याशी। और ऐसी स्थिति में अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि एक और अपडेट इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जिस प्रकार से 64 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो की गई है, और उसके बाद अब जानकारी मिल रही है सुखबीर बादल की तरफ से कि इंडियन नेशनल लोकदल और अकाली दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अब समीकरण किस प्रकार से बदलते हैं, किसको नफा नुकसान होता है, ये तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी चुनाव को लेकर के जिस प्रकार का माहौल अब से एक सप्ताह पहले था, अब कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर आने वाले दिनों में और अधिक दिलचस्प रहने वाली है, और किसका पलड़ा भारी होगा हर दिन जिसको लेकर के बदलाव की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल जितेंद्र, बीजेपी चुनाव कैंपेन सबसे पहले शुरू कर दिया, सबसे पहले 90 के 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार बीजेपी ने अपनी इस दूसरी लिस्ट के जरिए भी घोषित कर दी है, जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच में जिन लोगों की नाराजगी एक तरीके से पार्टी ने मोल ले ली है, उन जिनका टिकट कटा है, आज भी बैठकों का दौर चलता रहा, लगातार मुलाकात का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं। गुरुग्राम, रेवाड़ी और कोसली, इन तीन सीटों पर ऐसा लग रहा था कि बात बन जाएगी और एक मान मनोबल वाली स्थिति से पार्टी बाहर आ जाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं। जिन नामों को लेकर इन तीन सीटों पर हम सुबह से बात कर रहे थे, उन नामों को बिल्कुल दरकिनार किया गया और जो चेहरे रखे गए हैं उनमें से एक भी वो नाम है नहीं। ऐसे में पार्टी क्या इनकी नाराजगी के साथ 75 पार का मिशन पूरा कर पाएगी? इतना आसान रहेगा बीजेपी के लिए? टिकट वितरण में भले ही 12 सीटें बची हुई थी, लेकिन काफी पेच इन सीटों पर था। और फिलहाल भी अगर हम देखेंगे, चाहे वो हम रेवाड़ी को देखें जहां पर रणधीर कापड़ीवास की बात करें जो कि मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट जिस प्रकार से काटा गया है। गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उमेश अग्रवाल का टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। ये तमाम चीजें अपने आप में दर्शा रही है कि उमेश अग्रवाल, बिल्कुल उनकी तरफ से ऐसे बयान कई आए थे भ्रष्टाचार को लेकर के, जो ये बताते नजर आए थे कि सुधारक के तौर पर उनके बयान है, लेकिन खामियाजे के तौर पर अगर आज इस लिस्ट को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार के स्तर पर उनका मीडिया में इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं वो लुभाया नहीं। विपुल गोयल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे, कई तरह के कैंपेन उन्होंने शुरू किया, बीजेपी को फरीदाबाद में बहुत मजबूती भी उन्होंने दिलाई, उनके नाम का एकदम से लिस्ट से गायब हो जाना हैरान नहीं करता? देखिए, जहां दूसरे नामों की बात करें और विपुल गोयल के नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक बदलाव जरूर देखने के लिए मिलता है। विपुल गोयल की जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जिस प्रकार की बड़े मंत्री और छोटे मंत्री के बीच में जो खटास रहा करती थी, कहीं ना कहीं वो कारण बना। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें जहां राव नरवीर को और राव इंद्रजीत के बीच भी यही कारण थे हालांकि, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो सुधारक विधायक जो थे उनमें हम ज्यादा मुखर करके जो आए थे, चाहे संतोष सारवान की बात करें, रणधीर कापड़ीवास की बात करें, विमला चौधरी की बात करें, उन तमाम लोगों को अगर हम देखेंगे तो उनको लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। लेकिन जो बड़े मंत्री, यानी कि जिस तरीके से हरियाणवी भाषा में कहा जाता है, केंद्र के जो मंत्री हैं और जो प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बीच की आपस की तनातनी जो है उसका नतीजा इसको देखा जा रहा है। हालांकि फरीदाबाद क्षेत्र में अगर हम बात करें, जिस प्रकार के काम विपुल गोयल की तरफ से किए गए थे उसको लेकर के माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान की तरफ से ये फैसला जो है वो ठीक नहीं है और इस फैसले को रिव्यू पार्टी को करना चाहिए, और इस बात को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन तक करते नजर आ रहे हैं और उनकी मांग है कि इस तरीके से विपुल गोयल को हटाना ये कहीं ना कहीं न्यायिक नहीं है, न्याय पार्टी की तरफ से उनके साथ नहीं किया जा रहा। हालांकि विपुल गोयल लगातार वे कह रहे हैं कि वो पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे जो भी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के टीस दर्द जरूर उन तमाम नेताओं में होगा जिनका टिकट कटा है, और खासतौर से उनकी जो अलग अलग वजह है
कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकार के खिलाफ मुखर होना इसकी वजह है, तो कहीं इस बात को लेकर के वजह बनी है कि जो दोनों मंत्रियों के बीच में क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय कराने को लेकर के आपसी खींचतान रहते थे, उन खींचतानों को वजह माना गया है। तो विपुल गोयल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच जिस तरीके की तनातनी थी वो किसी से छुपी नहीं थी। सार्वजनिक मंचों पर याद होगा दशहरा के दिन किस प्रकार से दोनों जो मंत्री हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन इसका खामियाजा विपुल गोयल को भुगतना पड़ा है। हालांकि जनता के बीच इसका मैसेज जो है वो एक अलग तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है। जनता ये मान रही है कि विपुल गोयल के साथ इस तरीके का फैसला पार्टी को नहीं करना चाहिए था, और इसी बात को लेकर के वो फरीदाबाद के लोग जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि आज जिस प्रकार से राव नरवीर की तरफ से प्रयास किए गए या फिर फरीदाबाद में विपुल गोयल के लिए जनता जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत इस बात को लेकर के है कि जो फैसला किया गया है उसे पलटने को लेकर के उलटने को लेकर के कोई भी रिव्यू की जो गुंजाइश है वो यहाँ बाकी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो भी ये टिकट वितरण हुआ है इसी के साथ उम्मीदवार मैदान में जाएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे और भाजपा के 75 पार के नारे को कितना साकार कर पाएंगे ये अब जनता को तय करना है इस टिकट वितरण के बाद। बिल्कुल जितेंद्र, इस दूसरे लिस्ट में जिन 12 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है इनमें 3 महिलाओं का नाम है, निर्मल चौधरी, मीना नरवाल और सोनाली फोगाट। अगर सोनाली फोगाट की बात करें, आदमपुर सीट से इन्हें टिकट दिया है बीजेपी ने, आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सोनाली फोगाट हालांकि कांग्रेस की लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी चैलेंजिंग और नजर आ सकती है, कितना दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला होगा। देखिए सोनाली फोगाट लंबे समय से सक्रिय थी राजनीति में, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिसार की राजनीति को लेकर के वो काफी दिलचस्प रही। नलवा की बात करें, हिसार की बात करें या आदमपुर की बात करें, सीधे तौर पर लगातार सक्रिय तौर पर उनकी भूमिका रही, और मौजूदा समय में जिस प्रकार से उनको ये टिकट दिया गया है, अब ये सियासी आबो फिजा पर जहां एक और डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जनता का रुख रहने वाला है, तो वहीं अब देखना है कि कुलदीप बिश्नोई खुद मैदान में आदमपुर से आते हैं या फिर भव्य बिश्नोई जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा चुनाव में उन्होंने उतारे थे, और कई कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो आगे जो उनके बेटे हैं उनको टिकट दिया जाए। इसी फहरिस्त में अगर हम बात करते हैं कैप्टन अजय यादव की बात करें या फिर महेंद्र प्रताप की बात करें जो कि बड़खल से विधायक व मंत्री रहे थे, या फिर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि उनके परिवार में उनकी जगह उनके परिवार में टिकट दिया जाए, और भव्य बिश्नोई इससे पहले लोकसभा चुनाव में ये कर भी चुके हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत को उनके जो पुत्र हैं वो भव्य बिश्नोई वो आगे बढ़ाएं। अब देखना है कि वो खुद इस चुनावी मैदान में आते हैं किस प्रकार का निर्णय किया जाता है। हालांकि कांग्रेस में भी आपसी सिरफुटोबल काफी बड़ी हद में देखने के लिए मिल रहा है। आज जिस प्रकार से पूरा कांग्रेसियों की तरफ से ड्रामा देखने, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की तरफ से, अब मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो रहा है। तस्वीर में जो धुंधलाहट थी प्रत्याशियों के नाम को लेकर के वो अब छठी नजर आ रही है। 64 उम्मीदवारों की घोषणा इंडियन नेशनल लोकदल ने, सभी 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी अपनी 3 सूची जारी कर दी गई है जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर के अब आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे चल रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इस सूची के नामों के साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द आप हो सकता है कि आज देर रात या कल सुबह तक तमाम जो पार्टियां हैं अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती नजर आए। और इसी के साथ ये बात भी अपने आप में दिलचस्प है कि इस टिकट वितरण के बाद जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उन्हें किसी प्रकार का मौका मिलेगा, आयराम गयराम की स्थिति भी देखने के लिए मिलेगी, और पार्टी ज्वाइन करते ही साथ ही साथ टिकट देने की घोषणा आगे क्या अगर हो, पनपती तो है उसका मैं जरूर लौटूंगी। कुछ और सीटों पर भी और विस्तार से मैं बात करना चाह रही थी, लौटूंगी मैं, बने रही हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया आप लोगों ने, तैयारी जबरदस्त है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए, और क्योंकि हमारी सरकारें केंद्र और प्रदेश में थी उस आधार पर तो हमारी तैयारी और भी ज्यादा थी। तो अभी 90 के 90 हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं। अभी विपक्ष अपने प्रत्याशियों को उतारने में लगा हुआ है, और हमने जो लक्ष्य तय किया है 75 पार का, उसको हम इस सेना के माध्यम से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर पर है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उस हिसाब से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। हमने सभी जातियों के समीकरण के आधार पर सभी तरह के प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, और ये उम्मीद है कि जो हमने लक्ष्य तय किया उसको हम पूरा करेंगे 75 पार का। डॉक्टर संजय,
आप लोगों ने यानी कि बीजेपी ने औरों के पत्ते खुलने का इंतजार नहीं किया, अपने नाम सबसे पहले सामने रख दिए, ये साफ दर्शाता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। लेकिन इन नामों का ऐलान करने के बीच में अपने जिन साथियों की नाराजगी मोल ली, उनको किस तरह से साथ लेकर चलेंगे सर? देखिए, स्वाभाविक रूप से हर सीट पर कहीं 10 को कहीं 15 कहीं 20 तक प्रत्याशी थे, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो काम किया उसके आधार पर जो पक्ष में माहौल है उसमें हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन वो सब कार्यकर्ता केवल इसलिए पार्टी में नहीं है कि उन्होंने चुनाव भी लड़ना है। लेकिन स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ने की इच्छा कार्यकर्ता की होती है। लेकिन हम एक बड़े उद्देश्य के लेकर इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, और वो उद्देश्य ये है कि सत्ता के माध्यम से हम लोगों की सेवा कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत माता की जय कहकर के ही काम करती है, उसका कार्यकर्ता इसी काम को लेकर के समाज में लगा हुआ है। जो भी प्रत्याशी है उन सबको भी इसी दृष्टि से हमने पहले भी कहा है, बाद में भी अब इसी तरह से बात करेंगे। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं और वो होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बाकी प्रत्याशी जिनको उम्मीदवार थे, जो तथाकथित अपनी तरफ से सोचते थे कि हम भविष्य में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे और जो प्रत्याशी घोषित किया है कमल के फूल को सामने रख करके और उसके लिए काम करेंगे। कई तो कैबिनेट मंत्री भी थे सर, लगातार लोगों के बीच में थे। परफॉर्मेंस देख कर की टिकट काटा गया, जिस तरह से बहुत सी बातें मीडिया में चल रही थी, हमारे विरोधी भी बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, व्यक्तिवाद की बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उस सबको अलग रखा और अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात पे अड़िग रही है कि जिन सिद्धांतों को लेकर के हम राजनीति में है उसके आधार पर ही हम सब निर्णय लेंगे और उसी आधार पर काम करेंगे। सर, कोसली से लक्ष्मण यादव को टिकट मिला है, इंद्रजीत समर्थक ये माने जाते हैं, तो क्या यहाँ पर राव इंद्रजीत के एक पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट देकर उनको खुश करने की कोशिश की गई है क्या? ये मीडिया का अपना आकलन हो सकता है, हमारा किसी का कोई पसंदीदा कैंडिडेट है, किसी नेता विशेष का व्यक्ति ऐसा नहीं होता, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। राव इंद्रजीत जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री है, तो इस तरह से हम किसी को प्रत्याशी को किसी का चहेता या किसी का पसंदीदा कैंडिडेट कह करके, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े कैनवास पे काम कर रही है उसको तो नहीं किया छोटा करने का प्रयास, लेकिन बैलेंसिंग काफी चले आप। हाँ, हमने कहा ना कि हम बड़ा सोच समझ करके सारी राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर केवल जिताऊ पार्टी के प्रति समर्पण और हर तरह हर जाति का हर वर्ग का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी आधार पर ये टिकटों का बंटवारा हुआ है और आप देखेंगे कि हमारा लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा और उससे ज्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, 75 पार से भी ज्यादा? जी जी, 75 पार का मतलब क्या होता है, 75 पार तो अंतिम है ना। हाँ, 90 तक विधानसभाएं हैं तो कितनी भी हो सकती है, 75 पार का लक्ष्य विरोधियों तो के लिए कुछ छोड़ेंगे का नहीं, मतलब सर? नहीं हो सकता है, विपक्ष में किसी को देखना नहीं चाहते क्या सर? नहीं, हमारा उन सबके लिए शुभकामनाएं, वो आए अपने विषय को लेकर, लेकिन जिस तरह से जनता का मूड है, जिस तरह से लोगों ने अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति पिछले 5 साल में देखी है, उससे पहले जिन लोगों ने शासन देखा कि लोग सत्ता के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार करते, किस तरह से राजनीति का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से आम व्यक्ति के लिए काम किया, सभी वर्गों के लिए काम किया, एक समान विकास किया, सबका साथ सबका विकास किया, हरियाणा हरियाणवी एक ही भावना से काम किया, उसके कारण से लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच में इस देश का भला चाहती है, इसके प्रदेश के लोगों का भला चाहती है, इसलिए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। वो भी जो विपक्ष के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार ही अपने कार्यक्रम बनाए, वैसे ही सोचे जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के माध्यम से करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में अपना भविष्य तलाश कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में है। ठीक है, एक सवाल और लेना चाहूंगी सर मैं आपसे। सबसे पहले आप लोगों ने जिस तरह से कैंपेन शुरू किया जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में, और उसके बाद लगातार प्रचार प्रसार का जो आप लोगों की प्रक्रिया रही वो आगे बढ़ती रही, अब 90 के 90 सीटों पर सबसे पहले आपने यानी कि बीजेपी ने नाम घोषित कर दिए हैं कि कौन कौन टिकटार्थी होंगे, कौन कौन चुनावी मैदान में होंगे, आपके योद्धा चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं, अपने मुकाबले में आप किसको देखते हैं, क्या लगता है बीजेपी को कि कौन चुनौती दे सकता है? अभी जैसा मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि हमें तो सामने कोई दिखाई नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है एक तरफा मैदान में, हमारे
जो प्रत्याशी हैं वो अभी तो अकेले ही दिख रहे हैं। कांग्रेस तो अभी आपस में द्वंद करने में ही लगी हुई है। इनेलो का जो हाल है उसका विधायक दल पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उसकी पार्टी समाप्त एक तरह से कगार पे है। और बाकी जो दल है अभी नवीन अली दोलन की तरह जेजेपी का, उसका क्या भविष्य होगा देखेंगे। और कांग्रेस का मैंने कहा गुटबाजों में बटी हुई, अभी तो वो यही देख रहे हैं कि किस किस नेता को कितनी सीटें मिलती है, कितने विधायकों को अपने जो भविष्य में वो मानते हैं कि हम बना लेंगे उनको टिकट दिलवा पाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य लोक सेवा नहीं है, उनका लक्ष्य किसी तरह से अपने लोगों को जिता करके सत्ता की कुर्सी को हथियाना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना है, लोक सेवा उनके मन में नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से और बहुत बड़ी सीटों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव जो 21 तारीख को वोट पड़ेंगे और 24 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें दिखाई देगी। चलिए शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो 12 कैंडिडेट के नाम रह गए थे, 12 कैंडिडेट के नाम भी बीजेपी ने अपनी दूसरे लिस्ट में सामने रख दिए हैं। एक बार फिर नाम बता देते हैं, नारायणगढ़ से सुरेंद्र राणा को टिकट दिया है, पानीपत सिटी से प्रमोद विज को टिकट मिला है, गन्नौर से निर्मल चौधरी को, खरखौदा एससी सीट से मीना नरवाल को, फतेहाबाद से डूडाराम बिश्नोई को, आदमपुर से सोनाली फोगाट को टिकट मिला है, तोशाम से शशि रंजन परमार को टिकट दिया है पार्टी ने, और महम से पार्टी ने टिकट दिया है शमशेर खरकड़ा को, कोसली से लक्ष्मण यादव टिकट पाने में कामयाब रहे, रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर को टिकट मिला है, गुड़गांव से उमेश अग्रवाल का टिकट कट गया और सुधीर सिंगला को टिकट मिला है, पलवल से दीपक मंगला को पार्टी ने टिकट दी है। अब कुल मिलाकर बीजेपी इस चुनावी मैदान में सबसे आगे है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 90 के 90 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया, नामों का ऐलान कर दिया, 90 के 90 उम्मीदवार बीजेपी ने अब चुनावी मैदान में इस लिस्ट के साथ ही उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी जो इस वक्त आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज नजर आ रही है कि 75 पार का हमने मिशन रखा है, कहीं ज्यादा सीटें लेकर इस बार हम विधानसभा में जाएंगे, सदन की ओर कूच करेंगे। बीजेपी को अपने टक्कर में, अपने मुकाबले में, चुनौती के रूप में कोई नजर नहीं आता। यह भी आप सुनी रहे थे कि बीजेपी को कितना कॉन्फिडेंस है इसे लेकर, वो अपने विपक्ष में किसी को देख ही नहीं रहे हैं। उनका साफ ये कहना है, दो टूक कहना है कि अभी तो पार्टियां हमारे कैंडिडेट्स के सामने अपने कैंडिडेट ही नहीं घोषित कर पाई हैं, तो हम चुनौती क्या माने। बीजेपी के लिस्ट ग्राफिक्स के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये 12 नाम हैं जो आज दूसरे लिस्ट में जारी किए गए। इससे पहले 78 नामों के लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दिया है। कुल मिलाकर अब बीजेपी के 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा सबसे आगे टिकट टू विधानसभा की रेस में, सबसे पहले 90 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट आप देख रहे हैं जो आपके सामने है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस की लिस्ट भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी, कांग्रेस लिस्ट जारी कर देगी। कांग्रेस का ये कहना कि 90 की 90 सीटों पर सहमति बन गई है, बस लिस्ट का इंतजार है। उससे ठीक पहले बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और इस तरह से बीजेपी 90 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के 90 योद्धा अब इस चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रदेश के किन सीटों पर कमल खिलेगा अब ये इनके हाथ में है, इनकी तैयारी के हाथ में है, इनको मिलने वाले वोट ये डिसाइड करेंगे कि इस बार प्रदेश के किन किन सीटों पर कमल खिलने वाला है। बड़ी खबर पहुंचा रही है, ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट आप लगातार देख रहे हैं जिनमें बीजेपी ने बाकी बचे 12 नामों का ऐलान भी कर दिया है। एक बार फिर नाम बताते हैं आपको, इन 12 नामों में नारायणगढ़ से सुरेंद्र राणा, पानीपत सिटी से प्रमोद विज, गन्नौर से निर्मल चौधरी, खरखौदा से मीना नरवाल, फतेहाबाद से श्री डूडाराम बिश्नोई, आदमपुर से सोनाली फोगाट, तोशाम से
शशि रंजन परमार, महम से शमशेर खरकड़ा, कोसली से लक्ष्मण यादव, रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर। कोसली और रेवाड़ी ये वो दो सीट जहां से राव नरबीर चाहते थे कि उनको यहां पर एडजस्ट कर दिया जाए, यहां से उनको टिकट मिल जाए। बादशाहपुर से उनका टिकट कटा था। गुरुग्राम से उमेश अग्रवाल का टिकट कटा, सुधीर सिंगला को टिकट मिल गई है। पलवल से दीपक मंगला पर पार्टी ने भरोसा जताया है, उन्हें टिकट दिया है। ऐसी खबर आ रही थी कि यहां से विपुल गोयल चाह रहे थे, उनके समर्थक चाह रहे थे कि टिकट उनको मिल जाए, लेकिन विपुल गोयल, राव नरबीर ये वो नाम जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री तो हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 90 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के 90 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, कुल मिलाकर 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अब बीजेपी वो पहली पार्टी बन गई जिसने सबसे पहले 90 उम्मीदवारों के नामों को घोषित कर दिया और चुनावी रणभूमि में उन्हें उतार दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नामों के आगे कांग्रेस या दूसरे दलों के लिस्ट में किनके नाम आते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से लिस्ट नहीं आई है। किसी भी राजनीतिक दल की ओर से 90 के 90 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारे गए हैं। सबकी ओर से बाकी के लिस्ट आने अभी पेंडिंग है, बचे हुए हैं। एक के बाद एक अब लिस्ट आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस ने जैसे ही ये कहा कि अब से कुछ ही देर बाद हम लिस्ट जारी करेंगे, ठीक उसी बीच में बीजेपी ने अपने बचे हुए 12 उम्मीदवारों की ये लिस्ट भी जारी कर दी। मुलाकातों का दौर, बैठकों का सिलसिला, रूठना मनाना जो सुबह से चल रहा था, या यूं कहें कि 78 नामों के ऐलान के बाद से बीजेपी के खेमे में चल रहा था, अब उन पर पूर्ण विराम लग गया है। चूंकि बीजेपी ने 12 नामों की ये लिस्ट जारी करके ये साफ जाहिर कर दिया है कि अब 90 नाम सामने हैं, अब और कोई बात नहीं बन सकती। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, बीजेपी ने मुलाकातों के उन सारे सिलसिलों को अब थाम दिया है कि कहीं से किसी को एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि 90 उम्मीदवारों को अनाउंस करने वाली बीजेपी इन चुनावों में पहली पार्टी बन गई। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, इसको लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि अब चुनावी जो माहौल है वो और भी अधिक दिलचस्प रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अब दूसरी जो चुनाव जो पार्टियां हैं वो भी अपनी चुनावी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सूची के साथ ही बनाती हुई नजर आएंगी। एक तरफ जहां इंडियन नेशनल लोकदल, अभी का एक अपडेट हमारे सामने आया है कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में मुकाबला किस प्रकार का रहे अपने आप में दिलचस्प है, आज का एक नया अपडेट है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से इस पूरी सूची में 12 नाम है और 12 नामों में अगर हम बात करें फतेहाबाद से बलवान दौलतपुरिया जो उम्मीद कर रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल से आकर के उन्हें किसी प्रकार की से टिकट वितरण में जगह दी जाएगी, उनका टिकट यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाया है। रोहिता रेवड़ी की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत से उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, उनका टिकट काट दिया गया है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी। गुरुग्राम के उमेश अग्रवाल की अगर हम बात करते हैं तो उनका टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रेवाड़ी की तो रणधीर काफड़ीवाग का टिकट। चलिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ डूडाराम बिश्नोई जुड़ गए हैं, इन्हें फतेहाबाद से टिकट मिला है। डूडाराम साहब नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी। कितना चैलेंज अब आप अपने सामने देख रहे हैं, टिकट तो मिल गई सर, आगे के लिए चुनौतियाँ? नहीं, आगे खट्टर साहब, हेलो जी जी, हेलो सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हेलो सर, ऐसा लग रहा है मारे खुशी के बोल नहीं पा रहे हैं आप। हाँ, काफी भीड़ है जी यहाँ। हेलो, चलिए दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सर। डूडाराम बिश्नोई हमारे साथ जुड़े फतेहाबाद से, इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है लेकिन अभी संपर्क नहीं बन पा रहा, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। डूडाराम बिश्नोई को आप सुन रहे होंगे, बेहद खुश नजर आ रहे हैं जितेंद्र।
बिल्कुल डूडाराम बिश्नोई की अगर हम बात करें तो इनके नाम को लेकर के पहले से ही काफी चर्चाएं थे कि आखिर डूडाराम बिश्नोई का क्या होगा, और उसको लेकर के जिस प्रकार से ये सूची सामने आई है इसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि अब सियासी समीकरणों को जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक तरफ आदमपुर से सोनाली फोगाट और दूसरी तरफ डूडाराम बिश्नोई को जिस प्रकार से मौका दिया गया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। डूडाराम बिश्नोई अपना भी एक अलग से एक कद रखते हैं, जनता के बीच में एक वर्चस्व रखते हैं, तो इसको देखते हुए भी ये जरूर कहा जा सकता है कि जो टिकट वितरण अब हुआ है कितना बेहतर हुआ है, क्योंकि इसके अंदर टिकटों की अगर हम बात करें तो करीब एक दर्जन के आसपास जो विधायक हैं मंत्री हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं। भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 47 विधायक थे और जिनमें से एक दर्जन विधायक मौजूदा जो थे जिनमें दो कैबिनेट मंत्री भी थे उनके टिकट काट दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अब ये देखना है कि मुकाबला किस प्रकार से हो पाएगा या फिर जो टिकट वितरण हुआ है उसकी नाराजगी क्या कल से भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जहां टिकट बंटने से पहले ही नाराजगी देखने के लिए मिल रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी यह रुख देखना होगा। फिलहाल 12 सीटें जो बची हुई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और इस टिकट वितरण में भी पिछले टिकट वितरण के मुकाबले अगर प्रतिशत में अगर हम जाते हैं तो कहीं एक बड़ा प्रतिशत जो है वो टिकट मौजूदा विधायकों के काटने का है। अब ये देखना है कि जो नए लोगों को मौका यहाँ पर दिया गया है वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो 75 पार का नारा था उसे पूरा करने को लेकर के काम करते हैं। फिलहाल जिस प्रकार ये पूरा टिकट वितरण है उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं जो है अब ये माना जा रहा है कि कल सुबह से ही आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि महम की राजनीति की अगर हम बात करें तो वहां बलराज कुंडू को लेकर के काफी चर्चाएं थी। उमेश अग्रवाल लगातार इस बात को लेकर के दम भरते नजर आ रहे थे कि अगर मौका मिलता है तो ठीक, क्या अगर अब मौका नहीं मिला है तो अब उनकी सियासी पारी किस ओर जाने वाली है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या वो किसी प्रकार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जिन इससे पिछले के टिकट वितरण की अगर हम बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समर्पित लोग थे उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके कि अगला फैसला क्या होगा उसको लेकर के निर्णय करेंगे। आज ऐसे कई आपने उमेश अग्रवाल का जिक्र किया, अभी पीछे वो बार बार जो ट्वीट कर रहे थे और जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा में अगर राव इंद्रजीत के समर्थकों को लेकर फैसला नहीं लिया गया या इंद्रजीत की अनदेखी की गई तो यहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन लक्ष्मण यादव के रूप में बहुत ही बैलेंसिंग चाल चली है यहाँ पर बीजेपी ने, यानी नाराजगी तो मोल ली ही नहीं है बीजेपी ने, तो ऐसे में उमेश अग्रवाल का ये ट्वीट वाला इक्का भी यहाँ पर काम नहीं आया। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखना होगा कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। मैं रेवाड़ी और कोसली सीट पर आना चाह रही थी, लक्ष्मण यादव और रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर के नाम को लेकर बीजेपी ने जो फैसला लिया है ये जिताऊ फैक्टर बीजेपी ने यहाँ पर देखा है या बीजेपी को एडजस्ट करना था? लक्ष्मण यादव की बात करें या फिर सुनील यादव की बात करें, सुनील दुर्गेपुर जिस तरीके से वो अपने गांव का नाम लगाते हैं वो दोनों ही जो है राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, इस बात से स्पष्ट है। हमें याद है कि किस प्रकार से हाल ही में जो मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपके पास लौटूंगी। डूडाराम बिश्नोई के साथ एक बार फिर हमारी टीम ने हमें जोड़ा है। डूडाराम जी इस दफा सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी हाँ जी, बहुत शुभकामनाएं सर, टिकट मिली आपको, जश्न का माहौल होगा आपके वहाँ तो। थैंक यू जी आपका। कितनी तैयारियां हैं सर अब चुनावी समर में उतरने के लिए? कितनी तैयारियां हैं सर, जीत को करीब देख रहे हैं या कुछ चुनौतियां भी दिख रही हैं आपको? हेलो, आपके या तो मैं 10 मिनट बटू पे जाऊंगा लाइन पर, बहुत आवाज कम आ रही है जी आपकी। चलिए हम बार बार जुड़ने की जितेंद्र कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो बेहद खुश है, उनकी आवाज से जब वो थैंक यू बोल रहे हैं तो वो खुशी झलक रही है। जितेंद्र बात पूरी करें अपनी, रेवाड़ी और कोसली सीट पर। जितेंद्र आवाज मिल रही है मेरी? चलिए दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे जितेंद्र चौधरी के साथ। तो 12 नामों पर अपने पत्ते खोलकर बीजेपी प्रदेश में वो पहली पार्टी बन गई जिसने 90 के 90 उम्मीदवार उतार दिए। जितेंद्र आप जुड़ गए हैं, आपको सुनाई आवाज मिल रही है आपको? अपनी बात पूरी करें। देखिए जिस प्रकार से एक तरफ लक्ष्मण यादव की अगर हम बात करते हैं कोसली में और दूसरी तरफ बात की जाती है सुनील यादव की रेवाड़ी से जिस तरीके से उनको उतारा गया है तो ये अपने आप में दर्शाता है कि राव इंद्रजीत समर्थक जो है उनको यहाँ पर इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। राव इंद्रजीत
लगातार जिस तरीके से दिल्ली में पहुंच रहे थे और नेताओं के पास वो पहुंच रहे थे, इस प्रयास कर रहे थे कि अगर उनकी बेटी को मौका नहीं दिया जाता तो कम से कम उनके जो समर्थक हैं उन तमाम समर्थकों को इस लिस्ट में जरूर जोड़ा जाए। लक्ष्मण यादव, हमें याद है कि अभी हाल ही में जिस प्रकार से अपने समर्थकों के बीच में अभिनंदन को लेकर के राव इंद्रजीत पहुंच रहे थे, वहां लक्ष्मण यादव की तरफ से कोसली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां हम पहुंचे थे, हमने देखा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण यादव को लेकर के राव इंद्रजीत जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे, काफी मतलब उनके साथ एक समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे क्षेत्र की जनता के साथ में, और उनका नाम यहां देखने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लक्ष्मण यादव जो कि राव इंद्रजीत समर्थक है उन्हें दक्षिण हरियाणा में मौका दिया गया है, क्योंकि राव इंद्रजीत की नाराजगी भी इस क्षेत्र के अंदर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी कि अगर राव इंद्रजीत क्षेत्र के अंदर नाराज रहते हैं तो दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि इस बात को विशल ब्लोअर की तरह ट्वीट करके समझाने वाले उमेश अग्रवाल जो है वो गुरुग्राम से टिकट नहीं पा सके हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। गुरुग्राम से इससे पहले तक वो विधायक थे। सुनील यादव भी राव इंद्रजीत के समर्थक के तौर पर माने जाते हैं। इससे पहले सुनील यादव की अगर हम बात करते हैं तो राव इंद्रजीत के साथ लगातार सक्रिय रहे और उनको जिस प्रकार से रेवाड़ी से मौका दिया, यानी दक्षिण हरियाणा में जो नुकसान को लेकर का अनुमान लगाया जा रहा था उसके डैमेज को भी भारतीय जनता पार्टी ने अब बची हुई जो सीटें थी इन 12 सीटों में कंट्रोल करने को लेकर के प्रयास किए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो जो चार विधायकों के टिकट कटे हैं उनका क्या फैसला रहने वाला है, जिसमें उमेश अग्रवाल भी आते हैं, रणजीत काफ्रीवास भी आते हैं, रोहिता रेवड़ी भी आते हैं, बलवान दौलतपुरिया भी आते हैं, वे क्या फैसला करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर उन्होंने काम किया था और वे किसी दूसरी पार्टी में जाने का, निर्दलीय लड़ने का या फिर किसी उम्मीदवार को अपनी नाराजगी जताने के लिए समर्थन देने का फैसला करते हैं तो इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इन तमाम डैमेज कंट्रोल्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि रणनीति को लेकर के भी लगातार बैठकों का दौर देखने के लिए मिल रहा था। बिल्कुल, पानीपत सिटी को लेकर प्रमोद विज का नाम बीजेपी ने सामने रखा है, पानीपत सिटी को लेकर प्रमोद विज की वहां पर कैसी पकड़ है और यहां पर बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया ये बताएं जरा। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं रोहिता रेवड़ी को लेकर के, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सीट जो है दो कैबिनेट मंत्रियों के टिकट कटने की तरह अपने आप में चौंकाने वाली है, इस बात को लेकर के उम्मीद की जा रही थी कि इस तरीके का फैसला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि रोहिता रेवड़ी के बाद अब प्रमोद विज वहां पर आए हैं, संगठन में उनकी तरफ से काम किया गया है, उनको मौका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब ये अपने आप में देखना और भी अधिक दिलचस्प रहने वाला है कि किस प्रकार से वो अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो 75 पार का नारा है उसको पूरा करने का काम करते हैं, और लंबे समय से सक्रिय हालांकि वो नजर आ रहे थे, और प्रमोद विज का नाम भी चाहे पैनल की बात की जाए या फिर वहां की आम जनता में दावेदारी की बात की जाए उसको लेकर के लगातार प्रमुखता से लिया जा रहा था। अब ये देखना अपने आप में हर दिन जो मुकाबला है उसको दिलचस्प बनाता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे टिकट वितरण होगा और चुनाव की जो तारीख है 21 अक्टूबर पास आएगी उस वक्त ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आएगा। फतेहाबाद सीट पर डूडाराम बिश्नोई का नाम बीजेपी ने आगे किया है, हालांकि डूडाराम जी से हमने जुड़ने की बहुत कोशिश की, बीजेपी के इस फैसले पर भी आप थोड़ी रोशनी डाले, डूडाराम बिश्नोई का नाम फतेहाबाद से। फतेहाबाद की तरफ अगर हम जाते हैं तो फतेहाबाद से जिस प्रकार से फतेहाबाद में डूडाराम बिश्नोई को मौका दिया है, डूडाराम बिश्नोई वहां पर मजबूत कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि उनको इस पैनल में भी जब उनका नाम मजबूती से लिया जा रहा था इससे पहले, अब ये देखना है कि उनको जो मौका दिया है उसको लेकर के क्या फैसला रहता है। हालांकि बलवान दौलतपुरिया का टिकट जिस प्रकार से कटा है तो ऐसी स्थिति में डैमेज कंट्रोल को लेकर के खासतौर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ जितेंद्र, तो बलवान दौलतपुरिया इसी सीट से टिकट की उम्मीद में आए भी थे बीजेपी में। बलवान दौलतपुरिया को लेकर के पहले भी हमने बताया अपने दर्शकों को और अब दोबारा यही बात हम बता रहे हैं कि जिन सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट काट करके उतारा गया है उनके लिए मुकाबला कहीं और ज्यादा कड़ा होगा बाकी सीटों के मुकाबले, क्योंकि वहां अपने जो विधायक रहे थे अब तक उस विधायक से जहां मुकाबला रहेगा उसकी सीट कटने को लेकर के, टिकट कटने को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी मुकाबला ये रहने वाला है। तो यकीनन बलवान दौलतपुरी हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल से थे, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि काडर के साथ मिलकर के कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे, लेकिन मौजूदा विधायक होने की वजह से वहां की जो जनता है अपने कामों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के दौलतपुरिया के पास पहुंचती थी
और बलवान दौलतपुरिया लगातार हरियाणा भवन में चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे, मुलाकातों के दौर में शामिल होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके की तरजीह यहाँ पर नहीं दी गई है। और अब दूधाराम बिश्नोई को जिस तरीके से उतारा है, वहाँ जातीय समीकरणों को देखते हुए वो कितना कारगर सिद्ध हो पाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि फिलहाल फैसला जनता को करना है। ये जो एक महीने का वक्त मिलता है चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, ये जनता का वक्त होता है और इसमें जनता को ही तय करना है कि जो फैसला किया गया है वो फैसला ठीक है या फिर उस फैसले से वो सहमत नहीं है, और प्रत्याशी को देखते हुए ही जनता की तरफ से वोट किए जाते हैं। इसीलिए अलग अलग जो पार्टी के नेता हैं या जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगह पर जीतते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें पार्टी के साथ साथ जिस प्रत्याशी को उतारा गया है उसके चेहरे का भी काफी महत्व माना जाता है। ठीक है, थोड़ी देर में चाहूंगी पलवल सीट पर भी हम बात करें। आप दो दिन से लगातार देख रहे हैं कि फरीदाबाद से विपुल गोयल का नाम जब लिस्ट में नहीं आया तो उसके बाद से हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में किस तरह से उनके समर्थक नाराज है, लगातार नारेबाजी, महिलाओं को भूख हड़ताल पर हमने देखा। आपसे कुछ देर पहले हमने ये खबर भी दिखाई है कि किस तरह से जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। ठीक, ऐसे में समर्थक चाह रहे थे कि अगर यहां से टिकट अनाउंस हो गई है तो पलवल से विपुल गोयल साहब को टिकट दी जाए, लेकिन वहां से भी बीजेपी ने जो है दीपक मंगला के नाम पर अपना फैसला सुना दिया इस लिस्ट के जरिए। दीपक मंगला के लिए ऐसे में मुश्किलें पेश आ सकती हैं क्या वहां पर? देखिए, दीपक मंगला की अगर हम बात करते हैं तो पलवल क्षेत्र के अगर स्थिति को हम समझे कि राजनीतिक स्थिति को अगर हम समझते हैं तो शहरी और ग्रामीण वोट की मिक्स ये सीट है। हालांकि इसको लेकर के जो ग्रामीण जो मतदाता है वो कहीं अधिक है। सुभाष चौधरी लगातार टिकट को लेकर के मांग कर रहे थे, पूर्व में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ गुजरात के सह प्रभारी गौरव गौतम, जो पूर्व में अनिल जैन के साथ निजी सचिव के तौर पर भी रहे, काफी दावेदारी के साथ उनका नाम मजबूती के साथ लिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेस में वो पीछे रह गए। वहीं अगर हम बात करते हैं दीपक मंगला की, इससे पहले के चुनाव में यानी 2014 के चुनाव में भी उन्हें करण दलाल के सामने उतारा गया था और हारने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री के निजी सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि पलवल की सीट पर करण दलाल अपनी लगातार विधायक रहते हैं वहां पर। इससे पहले हालांकि 2009 के चुनाव में वो हार गए थे और लगातार 5 बार से वो विधायक है, तो ऐसी स्थिति में करण दलाल को हराना इतना आसान नहीं था। इसीलिए हारने के बावजूद भी दीपक मंगला को लगातार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पलवल में मजबूत बना करके रखा। कहीं ना कहीं इसी बात का आधार दीपक मंगला के साथ जुड़ा हुआ था कि इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से वो जनता के बीच में रहे और पार्टी की तरफ से उन्हें मजबूत बना करके रखा गया करण दलाल को हराने के लिए, इसी प्रकार से जो मजबूती अब तक बनी रही उसी मजबूती के साथ दीपक मंगला को वहां पर उतारा गया है। चाहे बात वहां पर की जाए वैष्णव वोट की या पंजाबी वोट की, शहर के अंदर इसकी तादाद कहीं ज्यादा है, वहीं गुर्जर और जाट मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरी जातियां उनका एक मिश्रित वोट बैंक है। अब देखना यह है क्योंकि अगर हम बात करें तो पलवल की सीट जो है वो काफी चर्चा का विषय रहती है, खासतौर से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं और पलवल जिले की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि करण दलाल वहां से विधायक रहते हैं और किस प्रकार से उनकी विधानसभा के अंदर कार्यशैली रहती है, मुद्दों को उठाने को लेकर के ये तमाम चीजें भी काफी महत्वपूर्ण रहती है, और इसीलिए करण दलाल की सीट पर खासतौर से अगर हम बात करें तो नजर रहती है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि लंबे समय से भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जनता का साथ उन्हें मिलता है। लेकिन अब किस प्रकार से जनता का रुख रहता है ये भी देखना होगा कि दीपक मंगला हारने के बावजूद जिस तरीके से लोगों के बीच में बने रहे और पार्टी ने उन्हें मजबूती दिए रखे उसके बूते उन्हें वोट मिलते हैं, या फिर करण दलाल की बेबाक और दबंग छवि को लेकर के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ही मौका यहाँ पर दिया जाए। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल और का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक जिस प्रकार से फरीदाबाद से पलवल की तरफ हम बढ़ते हैं वहां बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन अब जिस प्रकार से पार्टियां बट गई हैं उसके बाद कोई खासा असर इसका देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की 64 उम्मीदवारों की सूची में दयालाल चांद का नाम भी पलवल से सामने रखा गया है, लेकिन कितना जनाधार उनके साथ है ये पलवल की जनता ज्यादा बेहतर तय करेगी और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। अब इस प्रकार का मुकाबला पलवल की सीट पर देखने के लिए मिलेगा और इसमें कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार का, हालांकि पार्टियों की तरफ से जरूर मना किया जाता है, लेकिन एक जातीय रंगभेद को लेकर के देखने के लिए मिल सकता है।
पलवल की, खासतौर से सीट पर। बिल्कुल, इस तरह से हर एक सीट पर बात करने का दिलचस्प मामला तब बनता है जब 90 के 90 सीटों पर आपको पता हो कि सामने विपक्ष में या विरोध में कौन खड़ा है किस पार्टी से, तब ज्यादा बातचीत करने का जो मजा है वो निकल कर सामने आता है। खैर, खरखौदा सीट को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। जितेंद्र सुरक्षित सीट है, ऐसी है, और मीना नरवाल को बीजेपी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। खरखौदा बेल्ट की अगर हम बात करें तो इस बेल्ट को देखते हुए मीना नरवाल के लिए यहां पर कमल खिलाना आसान रहेगा क्या? जितेंद्र, आप हैं हमारे साथ? चलिए, संपर्क टूट गया। एक बार फिर बता दें, बीजेपी ने सबसे पहले 90 के 90 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं, नाम घोषित कर दिए हैं। दो लिस्ट के जरिए बीजेपी ने 90 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। पहली लिस्ट 78 कैंडिडेट के नाम के साथ, और ये दूसरी लिस्ट आ गई 12 कैंडिडेट के नाम के साथ। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि कुछ ही देर में कांग्रेस अपनी लिस्ट हो सकता है कि जारी कर दे। इस बीच बीजेपी ने सबसे पहले 90 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया, नाम घोषित कर दिए। 12 वो नाम जो दूसरे लिस्ट में अनाउंस किए गए, घोषित किए गए, वो हम आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र राणा को नारायणगढ़ से टिकट मिली है, पानीपत सिटी से प्रमोद विज को, गन्नौर से निर्मल चौधरी को, खरखौदा से मीना नरवाल को, फतेहाबाद से डूडाराम बिश्नोई को, आदमपुर से सोनाली फोगाट को, तोशाम से शशि रंजन परमार को, महम से शमशेर खरकड़ा को, कोसली से लक्ष्मण यादव, रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, पलवल से दीपक मंगला को पार्टी ने टिकट दिया है। और इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने यह क्लियर कर दिया कि अब मुलाकातों का दौर थामिए और लोगों के बीच में जाइए, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कीजिए, और जो कैंडिडेट